हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 49 ऑफ सीसीएस वीडियो सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कलर असाइन करते हैं। तो अब तक जैसे कि मैंने कोई भी अगर एग्जांपल लिया होगा तो उसमें मैंने आपको कलर डायरेक्ट बता दिया होगा कि कलर ब्लू ले ब्लू हम रख सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं। बट कलर के और भी तरीके होते हैं, आपको जो तरीके होते हैं, तो पहले तो कोडेड कलर्स होते हैं, राइट, जिनके कोई नाम नहीं होते हैं बट वो असाइंड होते हैं, जैसा कि ब्राउज़र में सेट होता है कि इस कोड का ये कलर है। और जो नंबर ऑफ़ कलर्स होते हैं हर ब्राउज़र में अलग होते हैं, तो जो ब्राउज़र जितना ज़्यादा अपडेटेड रहेगा उसमें उतने ज़्यादा कलर्स अवेलेबल रहेंगे। और एक और तरीका होता है कलर सेट करने का, वो होता है RGBA कलर्स। और तो RGBA कलर्स में क्या होता है कि हम RGB कलर्स को यूज़ करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप जानते हैं ये तीन जो कलर हैं इनकी मदद से हम कोई भी कलर्स सेट कर सकते हैं, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में हम HSL के बारे में भी डिस्कस करेंगे, HSL क्या होता है, कैसे इसके कलर्स को हम सेट करते हैं, और ओपेसिटी भी इसमें हम साथ में देख लेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि RGBA क्या होता है। ओके, बॉडी, ठीक है। अब जो हम पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं उसमें हम एक बार्स बनाएंगे बारी बारी से, ठीक है। पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ H1, और लेट सपोज मैं लेता हूँ कि आई एम डिफाइनिंग कलर्स यूजिंग RGBA, यानी कि RGBA की मदद से अब हमारा कलर्स डिफाइन करेंगे, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं। तो जो पहला मैं आईडी लेता हूँ, सपोज़ PID इज़ इक्वल टू A, और इसमें मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ PID इक्वल्स टू B, और इसको क्लोज करके ग्रीन, ओके। इसको P को अगर फिर से क्लोज की, और इसके बाद PID इक्वल्स टू C, और इसमें लिख देते हैं सपोज हम ब्लू, ठीक है। अब हम ऊपर जाके इसको कलर्स को सेट करेंगे। देखिए RGBA वैल्यूज़ जो होती हैं, अब अगर आप VS कोड यूज़ करेंगे, मैं VS कोड का इंस्टॉलेशन हो सके तो वीडियो जल्दी बनाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको VS कोड में यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे हम और कलर फॉर्मेट करते हैं और कैसे हम कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें इसे याद नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट कलर्स देखते हैं और वो RGBA फॉर्मेट में अपने आप सेट होके आ जाते हैं। तो हेड में मैं स्टाइल लिख देता हूँ, और स्टाइलिंग में अब हम कलर्स देंगे। तो सपोज जो पहला हमने आईडी लिया था, आईडी #A, ओके, और इसके बाद इसमें हमने कलर दिया था, सपोज पहला कलर मैं लेता हूँ RGBA, ये जैसे कि मैंने ये कंटेंट मैं प्री डिफाइंड लिख रहा हूँ, जैसे कि अगर आप मान सकते हैं कि जैसे कि मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि आप इसे मेमोराइज़ नहीं कर सकते। ये एक तरह से प्रोपोर्शन है कि आप क्या प्रोपोर्शन यूज़ करके आप कलर कंबाइन कर रहे हैं, और तभी ये रेड कलर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यूज़ करूँ #B ग्रीन के लिए, ठीक है, तो ग्रीन के लिए क्या यूज़ होगा, COLOR RGB, और यहाँ पे इस बार 0.255 क्योंकि ये खुद ही ग्रीन है, और 0, फिर इसके बाद 0.3, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और कलर रिज्यूम करेंगे, C C
सी में हमने क्या दिया है यहाँ पे, ब्लू, ओके तो ब्लू में भी वही रहेगा आर जी बी ए। इसमें तीसरे वाले में सॉरी कलर आर जी बी ए और इसके बाद 0.0.255.0.3, ठीक है। तो इस तरह से हमने कलर्स को सेट किया। अब मैं आउटपुट दिखाता हूँ इसको आपको, डेस्कटॉप पे चलते हैं लेक्चर में 48 49। तो ये कलर्स थे, ठीक है। हमने क्या किया, कलर फंड्स के अलग अलग कलर दिए। तो ये पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है और तीसरा ब्लू है। लेकिन साथ में देखिए ये ओपेसिटी इसमें थोड़ी सी चेंज हुई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि ओपेसिटी यहाँ पे 1 में कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेड कलर अपना ओरिजिनल फॉर्म में रहा, यानी कि मैं यहाँ पे साथ में उसके साथ ओपेसिटी कंट्रोल कर रहा हूँ। पहले तो 3 कलर हो गए, रेड ग्रीन ब्लू, और फिर उसके बाद ये ओपेसिटी हो गई। तो ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं आपको HSL के बारे में बताऊंगा कि HSL हम कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं इस बार मैं HSL आपको करके बताता हूँ, इसकी जगह मैं कलर में HSL लिखता हूँ, ठीक है। कलर ये HSL और साथ में पहले तो 120, फिर इसके बाद कॉमा 100%, हमको एक प्री डिफाइंड कलर मान के चल रहे हैं, और फिर इसके बाद सपोज में लिख देता हूँ कि 75%, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब इसको क्लोज करता हूँ, अब सेव करता हूँ, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो ये रहा, ठीक है, ये ग्रीन कलर के लिए था, ठीक है, ये लाइट ग्रीन था। और सपोज मैं अगर ग्रीन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 50% कर दूँगा, ठीक है, सेव करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस आप देखेंगे, राइट। ये तीसरे वाले मैंने किया, इस बार ये परफेक्ट ग्रीन होगा। तो ये हमने दो एग्जांपल कंसिडर किए HSL के बारे में। HSL के मैं साथ में आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने RGBA का बताया। HSL क्या होता है, HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, टाइप कर देता हूँ, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए मैंने। और जो पहला जो होता है वो 0 से 360 डिग्री होता है, तो ग्रीन होता है, 120 होता है, तो सॉरी 0 से 360 में ये रेड होता है और 120 इज़ ग्रीन एंड 240 इज़ ब्लू। और जितना ज़्यादा हम 100% करते जाएंगे उसकी सिचुएशन उतनी बढ़ती जाएगी। और जो तीसरा सेक्शन होता है तो वो लाइटनेस का होता है, यानी कि 0% जो होता है तो एकदम डार्क होता है, और 100% में ये वाला राइट वो एकदम वाइट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम लेक्चर में हमने कलर के बारे में डिस्कस किया, होप यू लाइक इट।